हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एडजॉइंट के बारे में कुछ स्टडी कर रहे हैं। बेटा, एडजॉइंट का नाम सुनते कुछ बच्चे को ऐसा हो जाता है कि यार ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन आ गया, बहुत लेंथी क्वेश्चन है। बट एडजॉइंट इतना लंबा या इतना लेंथी नहीं है। अगर आप प्रॉपरली समझ लोगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है एडजॉइंट। बेटा, एडजॉइंट क्या है तो फर्स्ट हम एडजॉइंट का थोड़ा कंसेप्ट समझ लेते हैं, देन आफ्टर हम एडजॉइंट के ट्रिक भी फाइंड करेंगे, वो 2x2 के लिए भी और 3x3 के लिए भी। बट सबसे पहले आपको इसका बेसिक कंसेप्ट जो है एडजॉइंट का वो समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, एडजॉइंट होता क्या है, सी हियर। तो एडजॉइंट इज डिफाइंड फॉर 2x2 एंड ऑल्सो 3x3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडजॉइंट जो होता है दोनों के लिए होता है, राइट। अब हम पहले 2x2 की बात कर रहे हैं एडजॉइंट में। एडजॉइंट का जो सिंपल प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है कि समझो यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स है, राइट, मैट्रिक्स हमारे पास है। मैट्रिक्स के माइनर पहले फाइंड करने होते हैं, देन आफ्टर उसका कोफैक्टर लेना है। फर्स्ट मैट्रिक्स माइनर कोफैक्टर ट्रांसपोज, एंड एडजॉइंट। इट इज द रूटीन प्रोसेस। ये जो है आपका रूटीन प्रोसेस है, मैट्रिक्स माइनर कोफैक्टर ट्रांसपोज एंड एडजॉइंट ए। तो ये प्रोसेस से आपको पास होना पड़ेगा अगर आपको रूटीन मेथड करनी है तो, राइट। तो हमें इतना लंबा मेथड नहीं करना है, बहुत शॉर्ट में और बहुत प्रॉपर वे से करना है। और ये मेथड हमारे बोर्ड के लिए भी वैलिड है, एनसीईआरटी के लिए भी वैलिड है। सो आपको कंफ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो फर्स्ट जो मेथड है हमारा वो है, यहाँ पे लिख देते हैं हम। तो फर्स्ट हम 2x2 की बात करते हैं बेटा। तो यहाँ पे हमारा जो है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो ए इक्वल टू हमने 1 2 3 4 ले रखा है यहाँ पे। बेटा मुझे उसका एडजॉइंट फाइंड करना है, बहुत सिंपल मेथड है, कुछ नहीं बेटा, बहुत 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 इजी है ये। एड जॉइंट ए यहां पर लिख दो, राइट। बेटा ये जो है ना, ये हमारा प्राइमरी डायगोनल है और ये हमारा जो है वो सेकेंडरी डायगोनल है। तो प्राइमरी डायगोनल जो होता है वो प्राइमरी डायगोनल के वैल्यू को चेंज कर दो, मीन्स 1 4 है तो यहां पे 4 1 लिख दो, राइट। एंड जो सेकेंडरी का डायगोनल है उसका जो साइन है वो चेंज कर देते हैं, -3 -2। तो ये आपका एडजॉइंट होगा। इट्स वेरी सिंपल, इट्स अ वेरी सिंपल, यस और नो, सी हियर। तो ए 1 2 3 4 हमारा एडजॉइंट है यहाँ पे। तो पहले वंस अगेन जो प्राइमरी डायगोनल है, राइट, उसको चेंज कर लो, इंटरचेंज कर दो, एंड सेकेंडरी डायगोनल है उसकी साइन चेंज कर दो। तो ये आपका आ जाएगा 2x2 एडजॉइंट मैट्रिक्स आ जाएगा। देन आफ्टर हम 3x3 के बारे में स्टडी करते हैं, राइट। एक मोर एग्जांपल हम दे लेते हैं बच्चों, यहां पे लिखो ए इक्वल टू -1 -2 -5 -6 -5 -6 and -1 2, राइट। तो फिर से एडजॉइंट लिखना है। तो प्राइमरी डायगोनल की जो वैल्यूज होती हैं उसको इंटरचेंज कर लो तो 2 -1 आ जाएगा, एंड सेकेंडरी डायगोनल है उसका साइन चेंज कर दो तो 5 - 6 आ जाएगा। ये आपका आंसर। तो ये जो है आपका 2x2 एडजॉइंट हो गया। नाउ 3x3 के लिए, हम 3x3 के लिए स्टडी कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल है ये भी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3x3 आया तो यार ये तो बहुत लंबा है। अरे ऐसा नहीं है यार, बहुत इजी है। ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 0 1 2, मैंने यहां पे लिखा है।
अब मुझे इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, तो एडजॉइंट ए आपको पहले लिखना है यहां पे, राइट? ओके, फर्स्ट हम रो को एक्सपांड करेंगे, फर्स्ट रो को। तो हम फर्स्ट रो को एक्सपांड करते हैं ऐसे, देखो। बट आपको ध्यान में एक बात रखनी पड़ेगी कि ये जो चार एलिमेंट्स हैं उसकी साइन ऑपोजिट आती है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, बस वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी, राइट? हम फर्स्ट रो को एक्सपांड करते हैं, तो हम फर्स्ट रो को एक्सपांड करेंगे, समझना, हम एक्सपांड करेंगे फर्स्ट रो को और लिखेंगे कॉलम में, बस ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट, तो फर्स्ट को यहां एक्सपांड कर दिया, देखो 5 × 2 = 10 एंड माइनस 6, तो 10 - 6 आ गया। ओके, देन आफ्टर ऐसे आप लिख सो, दो को एक को कंफ्यूजन नहीं होगी। देन आफ्टर हम टू को एक्सपांड कर रहे हैं, तो पहले माइनस लिख दो यहां पे, तो आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगी, और ब्रैकेट लिख दो, तो ये आ जाएगा आपका 8 एंड ए माइनस 0। देन आफ्टर यहां पे 3 आ जाएगा, राइट? तो ए प्रेस कर दो, ये प्रेस कर दो, यहां पे आपको लिखना है 4, यहां पे लिखना है 0। बेटा जैसे हम डिटर्मिनेंट में करते हैं ना कि यहां पे 1 लिखते हैं, बाद में ये लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 1 प्रेस करना है और इसके कोफैक्टर ही लिखने हैं और कुछ नहीं करना है, राइट? माइनर एंड कोफैक्टर का ही आपको यूज करना है, क्लियर? ओके, नाउ 2, तो फिर से आपसे ये आपका क्लियर हो गया। अब सेकंड, हम सेकंड रो को एक्सपांड कर रहे हैं, देखो, तो फिर से यहां पे माइनस लिख दो, तो कंफ्यूजन कभी नहीं आएगी आपको, और यहां पे टिक कर दो, तो ये प्रेस हो जाएगा, ये प्रेस हो जाएगा, ये प्रेस, तो ये 4 - 3 सही है, और 5 ये प्रेस कर दिया, ये प्रेस कर दिया, तो 2 - 0 ये 6, इसको प्रेस कर दिया, इसको प्रेस कर दिया, तो 1 - 0 तो आपका सेकंड रो का एक्सपेंशन क्लियर हो गया। अब थर्ड रो को एक्सपेंड करना है और लिखना सिर्फ कॉलम में है 0। अच्छा, ऐसा मत समझना कि भाई 0 है तो आंसर 0 हो जाएगा, ऐसा कोफैक्टर मायनों में नहीं होता है, 0 को भी आपको एक्सपेंड करना पड़ता है, तो 0, तो यहां पे 12 एंड माइनस 15, ये एलिमेंट बीच में है तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस यहां पे लिख दो, फिर से इसको प्रेस कर दिया, तो 6 - 12 एंड ये 2, तो 5 - 8 तो 10 - 6 = 4 - 8 = 4 -1, 2 and 1 -3, 6 and -3 तो ये आपका एडजॉइंट ए बहुत सिंपल वे से आ गया। इट्स वेरी इजीएस्ट वे टू फाइंड एडजॉइंट ए। आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल मेथड से आप कर सकते हो बच्चों, राइट? सो फाइंड द एडजॉइंट ए, ओके?